जी को वोट देकर जीतेगी। इस तरह के बैनर को हाथ में लेकर वाइन शॉप ऑनर जो हैं वो आज बीजेपी कार्यालय के बाहर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर यूपी बनने के बाद जिस तरह से प्रशासन द्वारा साइज पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया गया उसके बाद लगातार वाइन शॉप ऑनर्स हैं वो इस साइज पॉलिसी का लगातार विरोध करते हुए नजर आए। इकतीस मार्च से पहले पहले जितने भी इनके लाइसेंस थे उसे रद्द करने के लिए दो दिन पहले देर रात एक फैसला लिया गया। वाइन शॉप ट्रेडर एसोसिएशन ने एक फैसला लिया कि तीन दिनों तक जम्मू में जितने भी वाइन शॉप हैं, जम्मू कश्मीर में जितने भी वाइन शॉप हैं। सर मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। आज से हम लगातार अपने हमारे सारे भाई सारे इकट्ठे होकर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने हैं। आज हमारा मौजू मेन था कि हम बीजेपी के दफ्तर के बाहर इसलिए आए हैं कि हमने उनसे पूछने के लिए आए कि हमने और बीजेपी को वोट दिया, हमसे क्या गलती हो गई है, हम उसकी माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। अगर हमें बीजेपी को वोट डाल के हमसे गलती हुई है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आगे से ये गलती नहीं होगी, एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। हम क्या हमारी आने वाली पुश्ते भी आपको वोट नहीं डालेंगे। अगर हमें हमारे मुंह से आप निवाला छीनेंगे, एक के मुंह से निवाला छीन के दूसरे को दे रहे हैं, ये कोई जस्टिस तो नहीं है ना।